हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 2019 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। अभी तक सभी रीजन में इसका फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ, सिर्फ तीनों रीजन में ही अभी तक रिजल्ट फाइनल रिजल्ट का लिस्ट दिया है। हो सकता है इसके साथ साथ और भी रीजन में भी इसका फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था जनवरी से मार्च तक डिफरेंट रीजनल ऑफिस पे। तो ये जो वेबसाइट है कर्नाटका केरला रीजन का वेबसाइट है, यहाँ पे दोनों पोस्ट कैटेगरी का रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट टू द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट KK11519 एंड KK10919, ये दोनों का ही, ये दोनों पोस्ट कोड का ही यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नाम है कि नहीं। यहाँ पे एक ही जन सिलेक्टेड है, तो ऐसे आप पीडीएफ में क्लिक करके देख लेना कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा कर्नाटका केरला रीजन। यहाँ पे सिर्फ अभी तक दो ही पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो इसके साथ साथ ये रहा ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में चार पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। हालांकि सभी पोस्ट का फाइनल रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है किसी भी रीजन में, वो एक एक करके फाइनल रिजल्ट आउट हो रहा है। तो देखिए ये लास्ट वाला है ER10119, 10719, 10819 एंड 10519। ये सिर्फ ये चार पोस्ट का ही यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर पोस्ट का ही सिर्फ एक ही वैकेंसी था, इसलिए सिर्फ एक ही नाम है। तो ये रहा ईस्टर्न रीजन एंड उसके बाद आते हैं वेस्टर्न रीजन पे। ये देखिए वेस्टर्न रीजन के वेबसाइट में भी सभी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे WR12319 12919 का रिजल्ट आउट हुआ है। उसके आगे यहाँ पे 12619 11819 11419 10319 10219 ये बस ये तक ही यहाँ तक ही रिजल्ट आउट हुआ है। मतलब सेवन पोस्ट का रिजल्ट आउट यहाँ पे हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी बहुत ही कम होता है, इसलिए ज्यादातर पोस्ट में सिर्फ एक या दो ही वैकेंसी रहता है। ठीक है, तो आप में से जो भी फेज 8 में अपीयर हुए हो, आप यहाँ से भी एज्यूम कर सकते हो क्योंकि हर बार एक ही टाइप का जो पोस्ट होता है, एक ही टाइप का पोस्ट का ही वैकेंसी निकलता है यहाँ पे। तो अगर आप इसी कोई भी कैटेगरी, इसी कोई भी पोस्ट कैटेगरी के लिए आप सिलेक्टेड हो, तो आप वहां से एज्यूम कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो सब वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, ये तीनों रीजन की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हो कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इसके बाद एक एक करके सभी रीजन में ही फाइनल रिजल्ट आउट होगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 के लिए। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। आप में से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर हुए थे, आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे भी यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी रहता है, इसलिए सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम ही रहता है, चांसेस बहुत ही कम रहता है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।